हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल डे टू डे अपडेट में। दोस्तों, आज हम जिस भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं वो निकली हुई है नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से। नवोदय विद्यालय का नाम कौन नहीं सुना होगा। आप लोग को बता दूं कि ओवरऑल इंडिया में इसके 8 रीजनल ऑफिसेज हैं और यहाँ पे 630 स्कूल यहाँ पे ऑर्गेनाइज करती है नवोदय विद्यालय समिति। और ये जो समिति है मानव विकास संसाधन मंत्रालय यानी HRD मिनिस्ट्री का ये महत्वपूर्ण अंग है, उसी का ये ऑर्गेनाइजेशन है नवोदय विद्यालय समिति। और इसी में भर्ती निकली हुई है और ये जो भर्ती है वेरियस पोस्ट पे निकली हुई है, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, कैटरिंग असिस्टेंट और यहाँ पे लोअर डिवीजन क्लर्क सहित यहाँ पे बहुत सारे पदों पर भर्ती है। और आप लोग को बता दूँ कि इस भर्ती से रिगार्डिंग हम लोग 4 चीज़ों पर फोकस करेंगे। और पहला है इसमें पे स्केल, दूसरा है एज क्राइटेरिया, तीसरा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और चौथा है इम्पोर्टेंट डेट्स, यानी इम्पोर्टेंट जो थिंग्स हैं उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हमें नवोदय विद्यालय समिति के ऑफिशियल वेबसाइट पे और ऑफिशियल नोटिफिकेशन को मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, उस पर हम लोग चलेंगे। लेकिन उससे पहले एक मिनट, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और अंत में वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने तरफ से वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा। ओके, तो अभी हम चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जो कि ये रहा, ठीक है। और आपको बता दूं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये थोड़ा सा यहाँ पे टफ होने वाला है क्योंकि यहाँ पे छोटा छोटा लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे दो कॉलम में, एक ही पेज में दो दो कॉलम दिया गया है, तो आपको समझाने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ सबसे पहले कि देखना कैसे है आपको। देखिए, पहला पेज ये हो गया, ये आपको पहला पेज हो गया, फिर यहाँ के बाद में आपको ये हो गया दूसरा पेज, ठीक है। ये दूसरा पेज हो गया, दूसरा पेज के बाद में जब आगे शिफ्ट कीजिएगा तो यहाँ से लेकर ये हो गया दूसरा पेज, उसके बाद में आपको थर्ड पेज जो है ये वाला होगा, ठीक है। तो ऐसे ही होगा, तीसरा हो गया ये चौथा पेज, इसके बाद में आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे पांचवा पेज ये हो जाएगा, ये हो जाएगा छठवा पेज ये वाला। तो वैसे ही करके आप शिफ्ट करना है, ठीक है। तो अलग अलग यहाँ पे कॉलम वाइज पेज दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो रहा है 10 जुलाई 2019 से हो रहा है और रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है 9 अगस्त 2019 है। ये आप रिपीट करते रहा हूँ, 9 अगस्त 2019 लास्ट डेट है, ओके। और फी डिपॉजिट जो ओपन होगा 10 जुलाई से ही हो जाएगा, यानी जब आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा उस समय ही आप फॉर्म को यहाँ पे कंप्लीट करके यहाँ पे फी डिपॉजिट करवा सकते हैं। और जो फी डिपॉजिट जो क्लोजिंग डेट है यहाँ पे 12 अगस्त तक आप फी का पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे टेंटेटिव एग्जामिनेशन का जो डेट है CBT एग्जामिनेशन का, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का, 5 सितंबर से लेकर 10 सितंबर 2019 से ये टेंटेटिव है, यानी संभावित तिथि है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके पोस्ट की। सबसे पहले हमने बात किया इंपॉर्टेंट डेट्स की और इसके बाद में हम चलेंगे इसके जो सबसे फर्स्ट में जो पेज है यहाँ पे चलेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ड्राइव 2019 और यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, पहला पोस्ट असिस्टेंट कमिश्नर है, दूसरा पोस्ट है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का है, ठीक है, तीसरा है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स का, चौथा पोस्ट है मिसकेलेनियस कैटेगरी में आता है जो टीचर उनका है, और यहाँ पे ये पोस्ट है लीगल असिस्टेंट का, और यहाँ पे फीमेल स्टाफ नर्स, कैटरिंग असिस्टेंट एंड लोअर डिविजन क्लर्क, ये लास्ट पोस्ट है। टोटल पोस्ट टाइप ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे 8 टाइप का यहाँ पे पोस्ट दिया गया है। सभी का यहाँ पे देखेंगे तो सबसे ज्यादा आपको टफ देखने को लगेगा यहाँ पे PGT टीचर और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, यानी ये जो दो पोस्ट है इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को आपको समझना बहुत जरूरी है और यही दो पोस्ट है जो कि बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पे लेने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो पोस्ट है यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है पोस्ट कैटेगरी वाइज पोस्ट को, मैंने यहाँ पे देख सकते हैं रेड कलर से या गुलाबी कलर से आप बोल सकते हैं, पिंक कलर से मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है, आपको उस पर गौर करना है। उसके बाद में हम इसके इसेंशियल क्वालिफिकेशन पर चलेंगे जो कि यहाँ पे ब्लू से मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है ताकि कोई आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। इसमें जो पोस्ट आपको मिलेंगे ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के अंतर्गत सभी जो पोस्ट है वो आएंगे, ठीक है। कुछ पोस्ट ग्रुप ए के, कुछ पोस्ट ग्रुप बी के अंतर्गत और कुछ जो पोस्ट है ग्रुप सी के अंतर्गत आएंगे, ओके। और यहाँ पे जो पहला टाइप का पोस्ट है असिस्टेंट कमिश्नर ग्रुप ए के अंडर आएगा, इसमें टोटल पोस्ट 5 है, ठीक है, कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा, ओके। और यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात करें ग्रुप बी के अंडर आता है, इसमें टोटल पोस्ट की हम बात करें तो 430 पोस्ट है और यहाँ पे कैटेगरी वाइज और सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे टीचर की वैकेंसी यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है, आप देख लीजिएगा कॉलम यहाँ पे अवेलेबल है। और इसके जो PDF है डाउनलोड करने का लिंक मैं आपको डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा।
और यहाँ पे तीसरा जो पोस्ट है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का है, इसमें टोटल पोस्ट आपको 1154 पोस्ट है, ओके। और यहाँ पे मिसकेलेनियस कैटेगरी के पोस्ट है, इसमें मिसकेलेनियस टीचर आते हैं वो इन सभी कैटेगरी में, जैसे कि म्यूजिक आर्ट पीईटी मेल पीईटी फीमेल लाइब्रेरियन, इन सभी टीचर का टोटल मिलाकर बात करें तो 564 पोस्ट है कैटेगरी वाइज, आप देख लीजिएगा। फीमेल स्टाफ नर्स की बात करें तो यहाँ पे टोटल पोस्ट 55 है, और लीगल असिस्टेंट ग्रुप सी के अंडर आता है, उसका पोस्ट 1 दिया गया है, ठीक है, 1 केवल पोस्ट है लीगल असिस्टेंट का। और यहाँ पे इस पेज के बाद में इस पेज पे आपको शिफ्ट होना है, ठीक है, ये मैंने शुरू में ही बोल दिया है आपको। और यहाँ पे कैटरिंग असिस्टेंट की बात करें तो टोटल पोस्ट यहाँ पे 26 दिया गया है, और यहाँ पे लोअर डिवीजन क्लर्क का ये ग्रुप सी के अंडर आता है, यहाँ पे 135 पोस्ट आता है। सबसे फॉर्म ज़्यादा यहाँ पे अप्लाई होने वाला है लोअर डिवीजन क्लर्क के ही लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सिंपल यहाँ पे डिग्री मांग रहा है, उसके बारे में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में हम आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। ये हो गया आपको पोस्ट का डिटेल, कैटेगरी वाइज किस पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी अवेलेबल है इस भर्ती में, ओके। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, मेन होता है इसेंशियल क्वालिफिकेशन, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे, कुछ यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन को भी हम डिस्कशन कर लेंगे। तो सबसे पहला इसमें पोस्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट कोड एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, और यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर पहला पोस्ट है, जो कि जिसके लिए मैंने आपको क्वालिफिकेशन बताना है उसको मैंने ब्लू कलर से टिक किया है। इसमें आप देख सकते हैं दूसरा पोस्ट है ग्रेजुएट टीचर का, इसको भी मैंने ब्लू कलर से टिक किया हुआ है, ऐसे ही आगे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉर असिस्टेंट कमिश्नर के जो पोस्ट है उसके लिए आपको पे स्केल आपको 78,800 से लेकर 2,92,000। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट कमिश्नर के पोस्ट के लिए, जिसमें पोस्ट कोड 1 है। पोस्ट कोड आपको केयर करना है, क्योंकि अप्लाई करते समय आपको पोस्ट कोड वहाँ पे मांगेगा, ठीक है, तो पोस्ट कोड इसका 1 है, 01 है, ओके। पे स्केल इसमें बात करें तो लेवल 12 के तहत आपको मिलेगा 78,800 से 2,09,200 रुपये आपको पे मैट्रिक्स रहेगा। अपर एज लिमिट की बात करें तो इसमें 45 ईयर आपका अपर एज लिमिट है, उससे ज़्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन का बात करें तो आपको मास्टर डिग्री चाहिए इन सभी आपको सब्जेक्ट में, ये सब सब्जेक्ट आप देख लीजिएगा, या तो आप PDF को डाउनलोड करके, या फिर यहाँ पर देख सकते हैं साइंस कॉमर्स, या फिर आपको ह्यूमैनिटीज में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से मास्टर का डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो मांग रहे हैं यहाँ पे पर्सन होल्डिंग एनोलोगस पोस्ट फॉर पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन दी लेवल 12, ठीक है, तो ये आपको एनोलोगस पोस्ट की आपको जरूरी है, ठीक है, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे वो नहीं है, ये डिग्री नहीं, तो ये आपको डिग्री चल जाएगा, ये आप देख लीजिएगा दूसरा पोस्ट के लिए यहाँ पे और करके दिया गया है। एटलीस्ट 5 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन दिया गया है, इसेंशियल तो आपको जरूरी क्वालिफिकेशन होता है, डिजायरेबल आपको ऐच्छिक होता है, अगर ये रहता है तो आपको पोस्ट के लिए ज़्यादा प्रीफर किया जाएगा, यानी नौकरी मिलने की चांसेस आपकी बढ़ जाती है। और यहाँ पे दूसरा जो पोस्ट है यहाँ पे ग्रेजुएट टीचर का है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का, और यहाँ पे कैटेगरी वाइज सभी जो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का यहाँ पे कोड दिया गया है, ये ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको इस कोड का जरूरत पड़ेगा, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है, सभी कोड को यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे दिया गया है। पे स्केल की बात करें तो यहाँ पे 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपया पे मैट्रिक्स रहेगा आपको। अपर एज लिमिट आपको 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पे तो आपको दिया गया है 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT इन कंसर्न सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, ओके। तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट का डिग्री होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में, जो कॉलेज आपको NCERT द्वारा आपको प्रूव होना चाहिए, ठीक है, और ये बताया गया है। और आपको यहाँ पे अलग अलग सभी जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है उनका यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया है, आपको मास्टर डिग्री किस टाइप का होना चाहिए ये भी यहाँ पे दिया गया है, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी कुछ है यहाँ पे दिया गया है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट में आपको TGT का एक्सपीरियंस होना चाहिए उस कंसर्न सब्जेक्ट में, और यहाँ पे कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, ये कुछ यहाँ पे आपको दिया गया है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में। यहाँ पे दिया गया है आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, और यहाँ पे 11वां जो टाइप का पोस्ट है इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में यहाँ पे PGT बायोलॉजी तक का यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो 11वां पोस्ट है PGT कंप्यूटर साइंस के लिए, यहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस में एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में आपको BE या फिर BTEC का डिग्री होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं तीसरा जो पोस्ट है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का, इसमें कैटेगरी वाइज पोस्ट कोड दिया गया है, आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे पे स्केल आपको 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपया पे मैट्रिक्स होने वाला है। अपर एज लिमिट आपको 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो जो NCERT द्वारा यहाँ पे रीजनल कॉलेज होता है उसमें आपको एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में
इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए और ज़्यादा डिटेल के लिए आप इसे बढ़िया से पढ़ लीजिएगा ओके। और यहाँ पे बात करें तो ये सभी डिटेल प्रोवाइड कराया गया है सभी सब्जेक्ट के लिए। और यहाँ पे आइएगा इस पेज में, यानी इस पेज में शिफ्ट कीजिएगा, ऊपर में थोड़ा चलते हैं। दिया गया है जो अलग से मिसकेलेनियस टीचर के लिए का जो कैटेगरी है, जैसे कि म्यूजिक आर्ट पीईटी मेल और फीमेल और लाइब्रेरियन का, इसमें अलग से पोस्ट वाइज कोड दिया गया है, आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे पे स्केल 44,900 से 142,400 रुपया पे मैट्रिक्स होने वाला है। अपर एज लिमिट 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है, सब्जेक्ट वाइज क्वालिफिकेशन होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 years स्टडी इन म्यूजिक इंस्टीट्यूशन, तो आपको ज़्यादा यहाँ पे क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जैसे म्यूजिक है तो वहाँ पे रिलेटेड सब्जेक्ट में क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और आप देख लीजिएगा यहाँ पे बहुत लंबा क्वालिफिकेशन दिया गया है। और एक एक क्वालिफिकेशन नहीं, आपको और करके यहाँ तक, अगर आपको ये डिग्री नहीं है, ग्रेजुएशन का डिग्री चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री चाहिए आपको 5 साल का म्यूजिक इंस्टीट्यूट में, यहाँ पे ठीक है म्यूजिक के लिए बोल रहे हैं अभी वो नहीं है, तो इसके बाद में और भी कुछ यहाँ पे दिए गए क्राइटेरिया, वो अगर आप फुलफिल कर लेते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सभी पोस्ट के लिए आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी दिया गया है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं ई पोस्ट का, यानी जो 5वां पोस्ट है लीगल असिस्टेंट का, इसमें पोस्ट कोड जो है इसका 23 है, तो ये आप देख लीजिएगा, पोस्ट कोड जरूरी है। पे स्केल इसमें 35,400 से 112,400 रुपया पे मैट्रिक से। अपर एज लिमिट की बात करें तो 18 से 32 ईयर के बीच में होना चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी लॉ में आपको डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और डिजायरेबल आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग लीगल केस में, आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 6वां पोस्ट की बात करें फीमेल स्टाफ नर्स की, इसमें पोस्ट कोड आपको 24 है। पे स्केल की बात करें तो 44,900 से 142,400 रुपया पे मैट्रिक से। अपर एज लिमिट आपको अप टू 35 साल तक है, तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन भी दिया गया है फीमेल स्टाफ नर्स के लिए, वो आप देख लीजिएगा ठीक है। और यहाँ पे कैटरिंग असिस्टेंट आपको 7वां टाइप का जो पोस्ट है कैटरिंग असिस्टेंट का है, इसमें आपको पी स्केल 25,500 से 81,100 रुपया है। अपर एज लिमिट आपको 35 साल है, यानी 35 ईयर तक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको 10वीं पास होना चाहिए। और दूसरा क्वालिफिकेशन दिया गया है आपको 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कैटरिंग या फिर इक्विवेलेंट किसी भी आपको कोर्स में, आपको 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। और करके यहाँ पे दिया गया है वो आप डिटेल देख लीजिएगा, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा सकते, वैसे ही वीडियो बहुत ज़्यादा हाँ ये रिकॉर्ड हो गया है अभी तक। लोअर डिवीजन क्लर्क की बात करें तो इसका पोस्ट कोड यहाँ पे 26 है। पे स्केल इसमें आपको लेवल 2 के तहत 19,900 से लेकर 63,200 रुपया आपको रहेगा। अपर एज लिमिट आपको बात करें तो बिटवीन 18 से लेकर 37 साल के बीच में है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में इंटरमीडिएट आपको पास होना चाहिए, 12th यानी पास होना चाहिए। और आपको 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग चाहिए और 25 वर्ड पर मिनट आपको हिंदी स्पीड में आपको टाइपिंग चाहिए। यही आपका क्वालिफिकेशन है, इसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म गिरने की चांसेस है। और डिजायरेबल भी है, आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, 6 महीने का आपको डिप्लोमा यानी किया होना चाहिए कंप्यूटर में, 6 मंथ का जैसे कि DCA कोर्स आता है उसे भी अगर आप किए हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। उसके बाद में बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की, यानी अपर एज लिमिट में जो छूट मिलता है उसके बारे में। अपर एज लिमिट में आपको इन सभी कैटेगरीज में आपको छूट मिलेगा। शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब में 5 साल का छूट है, अपर एज लिमिट में मिलता है ठीक है, अधिकतम आयु में। अदर बैकवर्ड क्लासेस में या नॉन क्रीमी लेयर से हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन है, 10 साल का रिलैक्सेशन है वुमेन और जो कैटेगरी है यहाँ पे इन सभी के लिए ठीक है। तो 10 साल का रिलैक्सेशन वुमेन अल कैटेगरी के लिए इन सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये सभी एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, उसे डिटेल में पढ़ लीजिएगा आप, तो फिर उसके बाद में अप्लाई करने के सोचिएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में हम इस वीडियो में नहीं बात करेंगे, अगर आप कमेंट करते हैं तो इस पर हम अलग से एक डिटेल वीडियो बना देंगे इसके एग्जामिनेशन के स्कीम के बारे में, कैसे आपको एग्जामिनेशन होगा। इस पेज और ये वाला पेज में आपको एग्जामिनेशन ऑफ स्कीम दिया गया है अलग अलग सब्जेक्ट के लिए और अलग अलग आपको पोस्ट के लिए, तो इसे हम बात करेंगे तो और भी ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जाएगा जिसे आप लोग बोर हो जाएंगे ओके। और यहाँ पे अप्लाई करने का लिंक आपको बता दूँ कि अप्लाई करने का लिंक एक्टिव हो रहा है 10 जुलाई से, तो मैं ऑनलाइन अप्लाई का लिंक आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में जो ही इसका ऑनलाइन लिंक एक्टिव होगा। अभी तक आप PDF को डाउनलोड करके और इसके वेबसाइट पे विजिट करके कुछ यहाँ पे सर्फ कर सकते हैं, जो भी चीज़ें आपको जाननी हो ठीक है। यहाँ पे नवोदय विद्यालय के बारे में कुछ भी जानना है तो आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और आपको नवोदय विद्यालय की इस वैकेंसी का
जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फी की। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो 1500 रुपया पे करना पड़ेगा, और यहाँ पे पीजीटी टीजीटी या फिर जो मिसकेलेनियस कैटेगरी के टीचर हैं और फीमेल स्टाफ नर्स के 1200 रुपया फी पेमेंट करना पड़ेगा। लीगल असिस्टेंट, कैटरिंग असिस्टेंट और लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी के पोस्ट के लिए 1000 रुपया पोस्ट यहाँ पे फी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये दिया गया है एज के यहाँ पे फी क्राइटेरिया, ये हो गया। और यहाँ पे बतला दूं कि यहाँ पे फी में रिलैक्सेशन शायद नहीं दिखाई दे रहा है किसी यहाँ पे कैटेगरी वाइज के लिए, तो यहाँ पे ये सभी आपको इतना इतना फी देना पड़ेगा सभी कैंडिडेट को, ओके। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स का मैंने बात शुरू में कर लिया है, 10 जुलाई से लेकर 9 अगस्त 2019 तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये डिटेल है, टेंटेटिव एग्जामिनेशन का डेट 5 सितंबर से लेकर 10 सितंबर टेंटेटिव एग्जामिनेशन का डेट है, जो कि ऑनलाइन यहाँ पे एग्जामिनेशन होने वाला है। तो मेरे ख्याल से जो इम्पोर्टेंट डेट्स था और इम्पोर्टेंट जो जानकारी थी, जैसे एज क्राइटेरिया और इसके जो पे स्केल है और इम्पोर्टेंट डेट्स रिगार्डिंग, सभी मैंने डिटेल जो है प्रोवाइड करा दिया है और वैकेंसी डिटेल के बारे में, ठीक है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिटेल में इस एडवर्टीजमेंट को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में अप्लाई करने के बारे में सोचिएगा। और किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरा राय ले सकते हैं या फिर बोल सकते हैं, डेडिकेटेड वीडियो बनाने के लिए मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और वीडियो यहाँ पे हो गया है बहुत ज़्यादा लंबा और इससे ज़्यादा हम डिटेल में बात करना चाहते हैं लेकिन अभी बात नहीं कर पाएंगे, बोलिएगा अगले वीडियो में मैं उसमें बात कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो बस यही आपको अपडेट देना था, और ऐसे ही अपडेट अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।